फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग को जय श्री राम। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। आज आपके लिए एक नया ब्लॉग है मेरे चैनल पे। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ये मेरी बेटी, आज संडे है, आज सब हम लोग जल्दी उठ गए हैं और आज हमें बहुत कुछ करना है। या कॉफी में कवर हम प्लांटेशन, थोड़ा बहुत प्लांट्स को कटिंग करेंगे। अभी हम लोगों ने ब्रश नहीं किया है तो अभी हम लोग ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्लांट्स की कटिंग, ठीक है? फिर वो सब आपको वीडियो में शेयर करेंगे, है ना? हाँ। तो वीडियो में जो नए हैं उनको क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब। क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चैनल में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है। और ये टी शर्ट मेरे ब्रदर आर्मी में है, ठीक है? आप गाड़ी में भी देखते होंगे आर्मी लिखा है। मेरे बड़े भाई जो हैं वो आर्मी में है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रश करने के, ब्रेकफास्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल जो फैक्ट्स वाला है, फन फैक्ट्स SKP, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जाके कर लें। और अभी ब्रेकफास्ट बन चुका है। आज बने हैं ब्रेकफास्ट में उपमा। और ये उपमे की भी रेसिपी जो है मेरे जो फूड वाले चैनल है रोज़ाना दावत, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं वो उपमा कैसे बनाया जाता है। आप मेरे वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कितना तेज धूप हो गया है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। सुबह तो मौसम थोड़ा सा ऐसा था जैसे पानी गिरेगा, ठंडा मौसम था, बट अभी धूप है। अब इसको क्या करेंगे हम, आज कटिंग करेंगे थोड़ा, इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देते हैं इसको। देखते हैं फिर ये निकलता है कि नहीं निकलता है। इसको कट कर देते हैं आज और फिर उसके बाद और भी जो पेड़ हैं उनको भी कटिंग करेंगे। तुलसी का ये वाला जो है इसको थोड़ा थोड़ा कट करेंगे और ये मीठी नीम, इनको भी करी पत्ता जिसको बोलते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करेंगे। और चलिए देखते हैं। और जो वो सूख गया है प्लांट्स मोर पंखी का, उसको भी अलग कर देंगे। इसको भी बाहर लेके आ गए हैं, आप इसको अलग करेंगे। पहले देखते हैं ये लेके यहाँ पास। छोटे वाले में था तो कुछ सही था। और फ्रेंड्स, इसको कट कर देते हैं, इतना इतना छोटा छोटा कर देते हैं। ये इसको भी कट कर दिए हैं। तुलसा कहलाता है, ये जंगली रहता है। इसको जब सर्दी होती है तो इसकी पत्तियाँ उबाल के पीतने से सर्दी ठीक हो जाती है, तो ये इसीलिए लगा है घर में।
तो इसको इतना ट्रिमिंग कर देते हैं, देखते हैं ये निकलता है कि नहीं। थोड़ा सा इसकी गुड़ाई भी कर देते हैं, हो सकता पानी निकलने लगे और दोबारा से ये पौधा हरा भरा हो जाए। उम्मीद यही करते हैं कि ये हरा भरा हो जाए, क्योंकि ये सब मार्केट से खरीद के लेके आया था मैं, और लगातार दो तीन पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं जो मेन मेन थे। चलिए देखते हैं ट्राई करके एक बार। फ्रेंड्स ये नीम करी है, ये भी इसको भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको काट दो, लगे रहने इसको, थोड़ा सा काट दीजिए। अरे वो निकल रहा फल, वो है तो फल तो ही निकलेगा, जा रहने दीजिए, फल वाले को रहने देते हैं। ये इधर से बढ़ेगा अपना, और कोई दिखा दे एक्स्ट्रा में तो नहीं है ना, जो वाली काली काली पत्ती निकल रही उसको भी निकाल दीजिए। ये पत्ती रख लेना फिर ना। लकड़ी तो आप निकाल ही दीजिए, उसको ज्यादा मत काटिए। जो ऊपर का फर है ना, बस हाथ से उसका काट दीजिए और पत्ती मत काटिएगा, नहीं निकल रही है अभी। पत्तियां रख लेते हैं, काम आएगी। आगे इसको भी कट कर देते हैं। जय श्री राम। ये वही तुलसा है, गुलाब के साथ निकल गया था। गुलाब का भी एक डंडी सूख गई है, नीचे से कट कर दीजिए उसको। इसको गुलाब को इसको धूप में कम बढ़ता है, छाया में रहे तो बहुत तेज निकलता है। केले के पत्ते को तो फ्रेंड्स हमने लगभग जो प्लांट्स ट्रिम करने थे ट्रिम कर लिए हैं। अब चलते हैं नीचे और चढ़ाएंगे कवर। तो फ्रेंड्स ये बुक्स के कवर हमने चढ़ा दिए हैं, ये धनिष्ठा की बुक्स और कॉपीज हैं जिनको हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास बचा है वैष्णवी का, अब हम वैष्णवी के बुक्स और कॉपी में कवर को चढ़ाएंगे। तो आपको एक बुक और कॉपी भी दिखाएंगे कैसे कवर चढ़ाते हैं। और फिलहाल आज के लिए आपको बोलेंगे हम टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाते हुए ऑल को सेलेक्ट करें।